नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सकें और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। सर, जो आज आपके आश्रम पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके विषय में बताइए, और ये क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? देखिए, ये हमारा संत कबीर आश्रम लगभग 200 वर्ष पुराना है। 200 वर्ष से यहाँ पर जो हमारे यहाँ संत जी थे, उन्होंने इस आश्रम की स्थापना के समय से ही यह गुरु के रूप में ये आपका बसंत पंचमी का आयोजन शुरू किया। बसंत पंचमी का आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे भारतवर्ष में जो नई फसल पैदा होती है, बसंत ऋतु आती है, फूल उगते हैं, पीले फूल आते हैं, तो उससे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो से ऐसा महसूस करते थे कि हमारी फसल अच्छी होने वाली है। बसंत ऋतु से वो उनको अनुमान होता है कि हमारी अच्छी फसल होने वाली है। इस उद्देश्य से फसल की खुशी में इसको बसंत के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। बाबा जानकीदास ने इसको आज से 150 वर्ष पहले शुरू किया और आज भी हम उसी परंपरा को आगे कायम रख रहे हैं। और यहाँ पर आज हम संत कबीर बेबे सोसाइटी के माध्यम से, मैं संत कबीर बेबे सोसाइटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, इंद्रजीत सिंह मेरा नाम है, पूर्व पार्षद हूँ। तो आज ये पर्व हमारे यहाँ पे हो रहा है, ये हमारे पूरे क्षेत्र के हमारे सभी संत हैं, हमारे जो हमारे इसमें पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, वो आएंगे। अयोध्या भंडारे का भी आयोजन हो रहा है, तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस परम्परा को हम आगे भी हम कायम रखेंगे। और बाबा साहब क्या समझा रहे हैं, बड़े प्रेम से सुने और मेरी बात पर ध्यान दें। जिस पे मवाल हो वो अपनी नोटिंग और वीडियो बना के तैयार करें। बाबा साहब क्या कहते हैं, ये गया समय न आवे बाबा भीम तुम्हें समझा। Yeah.
राम को सृज बजी सतनाम को कर के भूषे दे तेरा कोई नहीं और सभी न तेरे बोल मेरे सतगुरुदेव की जय सतगुर हम आप के
राजन प्रताप सिंह अध्यक्ष संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी फाउंडी नगर नराय चागरा। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर सत्संग कबीर साहब का सत्संग होता है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी सत्संग का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। तो सतगुरु कबीर साहब से प्रार्थना है कि सबका भला करें और इस मौके पर मैं सबको साधुवाद देता हूं जो यहां पर उपस्थित आए हैं। जय भीम, नवोदय, सतनाम साहिब बंदी। आज का अवसर है ये कार्यक्रम का। सबसे पहले सभी को जय भीम, नवोदय। ये यमुना किनारे कबीर आश्रम है और नरायच जो पुरानी बस्ती है उसी के नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ विगत कितने वर्षों से ये तो मुझे नहीं पता है, खैर, लेकिन बहुत काफ़ी वर्षों से बसंत पंचमी के दिन ये आयोजन होता रहा है और इसमें नरायच क्षेत्र के और आसपास के पूरा गोवर्धन और आसपास के गांवों से सभी जो है महानुभाव यहाँ आते हैं और इस सत्संग में भाग लेते हैं और प्रतिवर्ष एक भंडारे के रूप में प्रसाद भी जो है वितरित किया जाता है। तो बस मेरा यही कहना है। जय भीम। यहाँ के पुराने निवासी हैं आप, जो कार्यक्रम हो रहा है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बसंत पंचमी में खास करके कबीर साहब के अनुयायी हैं वो सब इसे उत्साह से मनाते हैं और ये चूँकि आश्रम बाबा जानकी दास की भूमि है, उन्होंने बाबा जानकी दास कब थे हमने देखा नहीं उनको, मतलब ये करीब 80-85 साल से तब से सब मनाता चले जा रहे हैं इसे। और अच्छा है, इसमें गेट टुगेदर हो जाती है, अनुयायी भी उनके आते हैं या खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है और ये कार्यक्रम अच्छा चलता रहता है। तो आज की न्यूज आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।